हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा चैप्टर है डैट इज दी नेचर एंड दी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और सब्जेक्ट जो है डैट इज दी पार्टनरशिप अकाउंट्स। और आज हम इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुडविल, व्हाट आर द फैक्टर्स जो गुडविल को इन्फ्लुएंस करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द गुडविल एंड व्हाट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ गुडविल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह प्लस टू कॉमर्स के स्टूडेंट्स एंड इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पे शेयर किया हुआ है, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिजनेस स्टडी का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल जो है वो बिजनेस की रेपुटेशन है जिसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर आते हैं और जिसकी वजह से बिजनेस को ज़्यादा मुनाफा होता है। और गुडविल की अगर हम बात करें तो ये इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और इसको हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा क्रिएट करते हैं, जैसे क्वालिटी प्रोडक्शन है, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, रीजनेबल प्राइस में हम उनको बढ़िया क्वालिटी देते हैं, और बिजनेस की एक साख है। गुडविल जो है डैट इज सीमेंटेड विद बिजनेस, के गुडविल की एग्जिस्टेंस बिजनेस के साथ है, उससे सेपरेट नहीं है। जब बिजनेस सेल होता है तभी हम गुडविल को सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सेल कर सकते। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कस्टमर ज्यादा आते हैं और ज्यादा सेल होती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। जो गुडविल है जिसके बेसिस पे जो बिजनेस है फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कमा सकता है, उसको हम गुडविल कहते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। फीचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुडविल, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट इट हैज़ ए वैल्यू, इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, और इसकी जो एग्जिस्टेंस है डैट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, इट इज सीमेंटेड विद बिजनेस, इसको हम सेपरेटली सेल नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से गुडविल की वजह से हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके बेसिस पे कस्टमर हमारे बिजनेस को विजिट करते हैं और हमारी चीज़ें खरीदते हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर की वजह से, जैसे हमारा बिजनेस एक अच्छी फेवरेबल लोकेशन है जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है, ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है, हमारे पास पेटेंट है, हमारी रेपुटेशन है। वैल्यू ऑफ द गुडविल जो है सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि वैल्यू जो है इसकी वैल्यू क्या लगाता है। पार्टनरशिप की कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट, इसकी जो यूजफुल लाइफ है उसके अंदर इसको अमोर्टाइज किया जाता है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए हम पेमेंट नहीं करते। बिजनेस के अंदर हम उस गुडविल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस बुक गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो किया जाता है जिसके लिए पेमेंट की जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के मुताबिक गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। जब हम गुडविल को परचेज करते हैं तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है, जब पार्टनरशिप फर्म को हम सेल करते हैं एज ए गोइंग कंसर्न, जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है, या दो से ज़्यादा फर्म मिलके एक फर्म मतलब अमलगेमेट करती है, एक फर्म न्यू आती है एग्जिस्टेंस में, व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी, या दो से ज़्यादा फर्म अमलगेमेट करती है, तब हमें गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। फैक्टर जो वैल्यू ऑफ गुडविल को प्रभावित करते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस इस नेचर का है जहाँ पे जो हम प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं वहाँ पे उसकी हाई डिमांड है तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, गुडविल भी ज़्यादा होंगे। रेदर की जो प्रोडक्ट्स की लो डिमांड है तो लो प्रॉफिट होंगे तो गुडविल भी ज़्यादा नहीं होगी। और अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, तो जिसकी वजह से अपनी एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज़्यादा गुडविल होगी। अगर बिजनेस हमारा इस तरह का है कि उसमें रिस्क कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो गुडविल ज़्यादा होगी, बट अगर रिस्क ज़्यादा है तो लेस गुडविल होगी। अगर हमारा बिजनेस एक ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड है जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल होती है, ज़्यादा कस्टमर आते हैं, ज़्यादा सेल होती है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मुनाफा होता है, तो गुडविल भी ज़्यादा होगी।
और अगर हमारे पास अच्छे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे हम गुड्स की सेल और परचेज अच्छी प्राइस पे कर सकते हैं, तो इससे हमारे प्रॉफिट भी प्रभावित होंगे और हमारी गुडविल भी ज्यादा होगी। अगर हमारा बिजनेस इस तरह के है, हमारी मोनोपोली है तो हमारी अर्निंग अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छे होंगे, तो फ्यूचर में भी सेल और प्रॉफिट अच्छे होंगे तो गुडविल ज्यादा होगी। और अगर हमारे जो प्रोडक्ट जो ट्रेड नेम है वो रजिस्टर्ड है और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, तो उसका भी हमारी गुडविल के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। और अगर हमारे पास पेटेंट है तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारी गुडविल ज्यादा होती है। और अगर हमारे सप्लायर के साथ रिलेशन अच्छे और ऐसा रॉ मतलब चीजें जो है हम आसानी के साथ जो है एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी फॉर्म जो है उनकी सप्लाईज जो है डिफिकल्ट है, सिचुएशन के अंदर हमारी गुडविल ज्यादा होगी। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ज्यादा गुडविल होगी। अगर हमारी फर्म जो है प्रीवियस ईयर्स के अंदर ज्यादा मुनाफा कमा रही है तो एक्चुअली उसकी बेटर गुडविल होगी। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो फर्म के लेबर रिलेशन अच्छे हैं, तो जिसकी वजह से वो भी हमारी गुडविल को प्रभावित करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल और टाइप्स ऑफ गुडविल, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, जॉलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के अंदर परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, डॉग कैट रैट एंड रैबिट एज पर दी जॉलॉजिकल। परचेज गुडविल होती है जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं, तो उसके साथ ही हम गुडविल को भी परचेज करते हैं। जब हमने गुडविल के लिए कैश में दे सकते हैं या काइंड में दे सकते हैं, या कैश कुछ पार्ट कैश में कुछ पार्ट काइंड में, और गुडविल जब हम खरीदते हैं तो उसको बैलेंस शीट के अंदर नॉन करेंट एसेट के अंदर शो करते हैं। जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं वहां पे हम देखते हैं कि अगर हमने पे किया है वैल्यू ऑफ नेट एसेट से ज्यादा तो डिफरेंस जो है दैट इज नोन एज ए गुडविल। जैसे नेट वैल्यू ऑफ द एसेट 1 लाख है बट हमने 10 लाख पे किया है तो 2 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू द गुडविल। जैसे ए बी फर्म है, उसने एक्स वाई बिजनेस परचेज किया है 12 लाख का, एसेट की वैल्यू है 22 लाख, लाइबिलिटी है 12 लाख, तो जो हमारी नेट एसेट है वो है 10 लाख, तो हमने 2 लाख ज्यादा पे किया है। ए बी जो है उसने एक्स वाई को परचेज किया तो 2 लाख पे किया है, तो यहाँ पे 2 लाख जो है गुडविल का है, तो ये परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल, ये जो गुडविल है ये जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तब अगर करते हैं, इसके लिए हम कंसिडरेशन पे करते हैं और इसको बैलेंस शीट के अंदर एसेट शो करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल जो है सब्जेक्टिव असेसमेंट है, इसकी यूजफुल लाइफ के अंदर इसको अमोर्टाइज किया जाता है, और वैल्यू ऑफ द गुडविल डिपेंड करती है कि जो परचेजर है उसको कितनी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कमाने की। और उसी तरह सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है जिसके लिए हम परचेज नहीं करते बट ये जनरेटेड है ओवर द ईयर, और यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी एफर्ट की वजह से ये जनरेट होती है, और इसकी वैल्यूएशन जो है सब्जेक्टिव है क्योंकि तो यहाँ पे एविडेंस नहीं है। जैसे परचेज गुडविल के अंदर तो हम पेमेंट करते हैं तो वो एविडेंस होता है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है सेल्फ जनरेटेड जो है उसको एसेट नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं शो किया जाता। उसी तरह हम देखते हैं जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है डॉग गुडविल है, तो देखो यहाँ पे जैसे डॉग जो है लॉयल होता है बंदे के साथ, जिस बंदे ने उसको रखा होता है उसके साथ अटैच होता है, वो प्लेस के साथ अटैच नहीं होता। तो अगर आउटगोइंग पार्टनर अगर वो ज्यादा दूर नहीं जाता नजदीक ही जाता है तो वो जो है कस्टमर उसको फॉलो करता है, तो ये पर्सनल गुडविल होती है कि हमने इसी बंदे से ही चीज खरीदी, तो ये जनरली फाउंड इन द प्रोफेशन। कैट गुडविल होता है कि कैट जो है पुराना घर ही प्रेफर करती और वो पुराने घर के अंदर ही स्टे करती। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो एबीसी ने उस फर्म को उसको छोड़ दिया है, वो एक्स वाई जेड के पास चली गई है, तो जो कस्टमर है वो एक्स वाई जेड क्योंकि वो पुरानी जगह पे लोकेटेड है तो वहीं से खरीदेंगे और शॉप को विजिट करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जो रैट है देखो वो किसी का मित नहीं है, रैट को कोई अटैचमेंट नहीं है ना ऑनर ऑफ द हाउस के साथ ना प्लेस के साथ, तो रैट को तो अपना सिर्फ पेट भरना है, तो वो कहीं से भी खरीद सकता है, उसको किसी भी जो शॉप है उसके साथ अटैचमेंट नहीं हुआ, जहां से भी उसको लगेगा कि मुझे रीजनेबल मिल रहा है तो मैं वहीं से परचेज करूंगा। रैबिट गुडविल होता है कि लिविंग क्लोज इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू फार, कि मैंने तो जो नजदीक है मेरी जो कॉलोनी के अंदर शॉप है मैंने वहीं से परचेज करनी है। दे आर द कस्टमर हु नाइदर अट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द ओनर नॉट शॉप, कि जो हमारे घर के पास है हमने वहीं से जो कन्वीनियंट है वहीं से हमने खरीदना है।